Hello, engineers. A very good morning to you all. आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो कि एक अगेन साइकिल पे बेस्ड है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था लेनॉर साइकिल, डुवर साइकिल और एटकिंसन साइकिल। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एरिक्सन साइकिल और इसका सिमिलैरिटी क्या क्या है ब्रेटन साइकिल से। इस साइकिल को कौन सा साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था? हाँ, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, एरिक्सन। लेकिन फिर भी देखेंगे इसका कुछ हिस्ट्री हम लोग, और थोड़ा सिमिलैरिटी देखेंगे ब्रेटन साइकिल से। एरिक्सन ने कितना साइकिल इन्वेंट किया वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम लोग। पहले देखिए, पहला पेज है, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। दिस साइकिल इज नेम्ड आफ्टर जॉन एरिक्सन। देखिए, साइंटिस्ट का पूरा नाम था जॉन एरिक्सन। इस साइकिल को इन्होंने इन्वेंट किया था। इनका थोड़ा कहानी बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा अच्छा लगे आपको। जॉन एरिक्सन ऐसे साइंटिस्ट थे जो बहुत ही यूनिक साइकिल इन्वेंट किए थे। इनको मतलब नया नया चीज़ ट्राई करना बहुत पसंद था, तो इन्होंने बहुत सारा साइकिल भी इन्वेंट किया है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी किया है साइकिल्स के साथ। तो ये दूसरी लाइन में अच्छे से मैंशन है, पढ़ते हैं इसको। जॉन एरिक्सन हैड डिजाइन मेनी यूनिक इंजिन्स बेस्ड ऑन थर्मोडाइनेमिक साइकिल बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। देखिए, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो ओपन साइकिल देखने वाले हैं। हिज फर्स्ट साइकिल नेम्ड एज क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो ब्रेटन साइकिल में प्रोसेसेस इन्वॉल्व है वो भी एरिक्सन, वही एरिक्सन साइकिल में था। इनका फर्स्ट साइकिल को क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल भी बोला जाता है, ठीक। बिकॉज प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द साइकिल आर सेम एज डिवाइस्ड बाय ब्रेटन। ब्रेटन साइकिल को हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। सेकेंड साइकिल कॉल्ड एज एरिक्सन साइकिल। देखिए, इन्होंने दो साइकिल बेसिकली इन्वेंट किया हमको, मतलब हम लोग को दो साइकिल देखना है। पहला तो क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल है, जैसा मैंने कहा, वो ब्रेटन साइकिल में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और ये सेकंड साइकिल को एरिक्सन साइकिल बोलते हैं, बेसिकली हम लोग इसी को पढ़ते हैं, ठीक। देखिए, एरिक्सन साइकिल इज अ गैस पावर साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने डिस्कस कर रखा है। गैस पावर साइकिल क्या होता है? देखिए, जिसमें वर्किंग फ्लूइड एक गैस हो। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। उम्मीद है आपने ये सब समझ लिया जॉन एरिक्सन साइंटिस्ट का नाम था। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए बेस्ड ऑन थर्मोडायनामिक साइकिल, लेकिन बेसिकली हमको दो इनका साइकिल पढ़ना है, जो कि क्लोज ब्रेटन साइकिल, पहला वाला क्लोज ब्रेटन साइकिल के नाम से जाना जाता है, और दूसरा वाला एरिक्सन साइकिल। बेसिकली हम लोग इसी को कंसिडर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है। अब आए हम लोग के मुद्दे का बात, आइडियल एरिक्सन साइकिल, मतलब सेकेंड साइकिल का बात हो रहा है, ठीक। आइडियल एरिक्सन साइकिल है, कंसिस्ट ऑफ फोर प्रोसेस नेम्ड एज आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल हीट एडिशन, ठीक है। ये बेसिकली मैं एक खास स्लाइड बनाया हूँ आपके लिए, जो कि जिसमें एक इंजन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो कि विकीपीडिया से मैंने एक फोटो लिया है। ये सारा प्रोसेसेस के बारे में, देखिए, आइसोबारिक और कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और आइसोबारिक हीट एडिशन। अब ये चारों प्रोसेसेस को हम लोग ग्राफ में देखेंगे। उससे पहले वीडियो के शुरू में मैंने कहा था इसमें हम लोग ओपन साइकिल देखने वाले हैं आज, ठीक है। तो देखिए, बेसिकली क्या होता है, एक कंप्रेसर होता है, एक टरबाइन होता है जिसमें एक जनरेटर यहाँ पे जुड़ा रहता है, ठीक है। एक रीजनरेटर होता है, रीजनरेटर का फंक्शनिंग आप समझ लीजिए, ये हीट ऐड करता है या हीट यहाँ से रिजेक्ट होता है, ये दो काम करता है रीजनरेटर, ओके। यहाँ से वर्किंग फ्लूइड इंटर होता है कंप्रेसर में, फिर रीजनरेटर में जाता है। इसका शाफ्ट इस टरबाइन के साथ कनेक्टेड रहता है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ठीक है। फिर ये यहाँ से रीजनरेटर होकर टरबाइन में आता है वर्किंग फ्लूइड, इसका ब्लेड रन करता है, ब्लेड से जनरेटर कनेक्टेड रहता है, और यहाँ पे जो भी काम निकालना है यहाँ से निकलता है। फिर ये वापस जाके बाहर या तो सराउंडिंग में जाता है, या अगर क्लोज साइकिल है तो ये फ्लूइड रिपीट होता रहता है साइकिल में ऐसे, ठीक। एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूँ, कंप्रेसर में एडियाबैटिक प्रोसेस होता है और टर्बाइन में एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। कि यहाँ से वर्किंग फ्लूइड एंटर होता है, कंप्रेसर में कंप्रेस होता है, फिर रीजनरेटर में जाता है हीट एडिशन के लिए यहाँ पे, ओके। फिर यहाँ से ये जो रीजनरेटर को लीव करके टर्बाइन में जाता है, उससे फिर ये टर्बाइन को जाता है वर्किंग फ्लूइड, टर्बाइन का ब्लेड रन करता है, यहाँ से जनरेटर जुड़ा रहता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी या जो कुछ भी बनाना है यहाँ से बन जाता है, ठीक। और फिर वर्किंग फ्लूइड बाहर यहाँ से, ओके। तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया, अब इसको ग्राफ में समझेंगे हम अच्छा से। अभी चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए, ग्राफ रेडी है, अब इसको हमें डिस्कस करना है। देखिए, प्रोसेस 1 to 2 पहले लेते हैं, ठीक है। चलिए, पीवी डायग्राम ऐसा कर्व या ऐसा लाइन
जहाँ दिखे इसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। 1 से 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द वर्किंग फ्लूइड, सिंस ये गैस पावर साइकिल है तो वर्किंग फ्लूइड गैस ही होगा, ठीक है, इज कंप्रेस्ड, गैस कंप्रेस हो जाता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस है यहाँ पे, कंप्रेसर में होता है ये, ठीक है। फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2, अगर यहाँ पे डॉटेड लाइन आप खींचोगे यहाँ से, इसको आप V1 मान सकते हैं और इसको यहाँ पे आप V2 मान सकते हैं। द कंप्रेशन स्पेस इज कूल्ड, इसमें ऐसा एज्यूम किया जाता है जो भी कंप्रेशन स्पेस है वो ठंडा ठंडा होता है, कूल होगा तभी तो कंप्रेशन अच्छा से होगा, और अगर हॉट रहेगा तो एक्सपेंशन होगा ना वो, इसीलिए हेयर हीट इज रिजेक्टेड बाय द वर्किंग फ्लूइड। हाँ, क्योंकि कूल हो रहा है तो हीट रिजेक्ट ही होगा वर्किंग फ्लूइड का, ठीक है। अब देख लीजिए एक बार, 1 से 2 प्रोसेस हमने देखा जो आइसोथर्मल प्रोसेस था, यहाँ तक क्लियर है। अब प्रोसेस 2 टू 3 देखेंगे हम लोग, आगे चलते हैं। उससे पहले यहाँ पे आप TS डायग्राम देख लीजिए, टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम। 1 से 2 प्रोसेस देखिए, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है 1 से 2, ठीक देखिए, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया, इसको इरेज करके नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। 1 से 2 हमने देखा, प्रोसेस 2 टू 3 देखते हैं। देखिए ये आइसोबारिक प्रोसेस है, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक, P बराबर कॉन्स्टेंट ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ पे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे हीट एडिशन होता है, हमेशा याद रखिएगा, इरिक्सन साइकिल में कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे हीट एडिशन या रिजेक्ट होता है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस हेयर हीट इज एडेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, हमेशा याद रखिएगा प्लीज। देखिए हेयर हीट इज एडेड टू द वर्किंग फ्लूइड, वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम V2 टू V3। देखिए जब भी हीट ऐड होगा, खासकर गैस में, और यहाँ ये गैस पावर साइकिल ही है, और गैस में हीट ऐड होगा तो इसका एक्सपेंशन बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए वॉल्यूम V2 टू V3 इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जितना स्लोप कम है उतना ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सिंस यहाँ पे स्लोप थोड़ा कम था तो वॉल्यूम इंक्रीमेंट उतना नहीं हो पाया था, लेकिन यहाँ पे देखिए स्लोप तो बहुत ही, मतलब पैरेलल लाइन ही है वॉल्यूम के, हम लोग आइडियल साइकिल कंसिडर कर रहे हैं इसलिए पैरेलल है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है, ठीक है। V2 टू V3 इंक्रीज होगा यहाँ पे, ओके। उम्मीद है आपको हीट एडिशन प्रोसेस समझ में आ गया है, यहीं पे होता है। और यहाँ पे देख लीजिए, अब हम लोग TS डायग्राम में 2 टू 3 प्रोसेस देखिए, TS डायग्राम में ऐसा कुछ होता है, प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस TS डायग्राम में थोड़ा, मतलब इसका स्लोप कम होता है, ये थोड़ा ज़्यादा स्लोप बन गया है। अब ये बात आ गया है तो मैं आपको बता ही देता हूँ वॉल्यूम और प्रेशर का लाइन कैसे बनता है TS डायग्राम में। चलिए आगे, चलिए बताता हूँ मैं TS डायग्राम में वॉल्यूम और प्रेशर का स्लोप कैसा होता है। देखिए ये ग्राफ डायग्राम बन रहा है, लेकिन आपको समझाना ही है बस, TS डायग्राम है ये, ठीक। अब चलिए, वॉल्यूम का जो स्लोप होता है वो थोड़ा स्टीप होता है प्रेशर के कंपैरिजन में, ठीक है। ये है प्रेशर कांस्टेंट और ये वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक। तो वॉल्यूम का स्लोप TS डायग्राम में ज्यादा होता है ये प्रेशर के कंपैरिजन में, ठीक है। वहां पे प्रेशर का ऐसे कुछ बन गया है उसके लिए, सॉरी, ठीक है। तो चलिए फिर से देखते हैं 2 2 2 3 प्रोसेस, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया। प्रोसेस 2 टू 3 टू 3 में यहाँ पे हीट ऐड होता है, ठीक है, आपने यहाँ तक समझ लिया। अब प्रोसेस 3 टू 4 देखते हैं, इसमें क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है, 3 टू 4 मतलब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का इशू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे TS डायग्राम में आपको अच्छे समझ में आएगा, 3 टू 4 प्रोसेस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये टेम्परेचर कॉन्स्टेंट प्रोसेस है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं PV डायग्राम में कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का कर्व कुछ ऐसा बनता है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्किंग स्ट्रोक और प्रोसेस, इसको आप वर्किंग स्ट्रोक भी इसमें बोल सकते हैं, ठीक है। हियर गैस अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हो रहा है, देख सकते हैं आप, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा था इनिशियल वॉल्यूम के कंपैरिजन में, एंड गैस एक्सपेंस फ्रॉम V3 टू V4। देख सकते हैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन लगेगा तो कुछ यहाँ आएगा और V4 यहाँ, तो वॉल्यूम तो बढ़ा हुआ ही है ना, ठीक है। V3 टू V4 वॉल्यूम बढ़ता है, ये जस्ट डिनोट करने के लिए ये V3 V4 यूज़ किया हुआ है, सिंस ये 0.3 है और ये 4 है, ठीक है। एक्सपेंशन होता है आइसोथर्मली, याद रखिएगा, इसमें दो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होता है और दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है। और मैं शुरू में आपको बताना चाह रहा था लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इसलिए अभी इसको डिस्कस करेंगे। ब्रेटन साइकिल में क्या होता है, देखिए ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस में रिप्लेस हो जाता है,
ओके, बस यही डिफरेंस है एरिक्सन साइकिल और ब्रेटन साइकिल में। ठीक है, ये सेकंड साइकिल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं जिसको एरिक्सन साइकिल ही कहा जाता है। और क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल में क्या था? एडियाबैटिक जो प्रोसेस था ब्रेटन साइकिल में, वही था एरिक्सन साइकिल में। ठीक, एक बार समरी के लिए मैं बता देता हूँ। एक फ्रेश पेज में आपने अभी देखा है, एरिक्सन ने दो साइकिल इन्वेंट किया था। एक था क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल, ठीक, और दूसरा क्या था? सिंपली एरिक्सन साइकिल। ठीक, तो हम लोग दूसरा साइकिल अभी कंसिडर कर रहे हैं। इसका जो एफिशिएंसी होता है वो नियरली सेम होता है कार्नोट साइकिल से, तो आप समझ सकते हैं ये साइकिल कितना फिजिबल होगा और नहीं ही होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंस हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, कूल होगा। कूल होने में क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है, और वही चीज़ हम लोग का ग्राफ में भी हो रहा है। देखिए, इनिशियल वॉल्यूम क्या था, V4, जो कि ज़्यादा था, और फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, V1, जो कि कम हो गया उससे। देख सकते हैं आप इतना डिफरेंस है। जाहिर सी बात है, हीट रिजेक्ट होगा या कूलिंग होगा तो वॉल्यूम गैस का कम होगा। ठीक है, इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम 4 ज्यादा था। इसको मैं दूसरा तरीका से आपको बताऊंगा। सिंस एंट्रोपी कम होगा, एंट्रोपी कम होगा मॉलिक्यूल का ऑर्डरनेस बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, एक चीज और आप देख सकते हैं, टेम्परेचर 4 हाई था, टेम्परेचर 1 लो था, और जब टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा, सिंपल सा बात है। ठीक है ना, इसका रिविजन हम लोग कुछ देर में करेंगे, फिलहाल के लिए आगे चलते हैं। देखिए, अब हम लोग कंपेयर करने वाले हैं फर्स्ट एरिक्सन साइकिल और ब्रेटन साइकिल में, मतलब क्या था डिफरेंस और क्या सिमिलरिटी था। ये काफी हद तक सिमिलर ही था, बस मोड ऑफ एप्लीकेशन, मतलब एरिक्सन साइकिल कहाँ पे अप्लाई होता था और ब्रेटन साइकिल कहाँ पे अप्लाई होता था, दोनों थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको देखते हैं। एज वी नो दैट एरिक्सन वॉज ए साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड और एक्सपेरिमेंटेड विद लॉट्स ऑफ साइकिल बेस्ड ऑन थर्मोडाइनमिक्स लॉज एंड प्रोसेसेस। देखिए, डिफरेंट थर्मोडाइनमिक्स लॉ और प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग बहुत सारा साइकिल डिवाइस किए, इनको एक्सपेरिमेंट करना पसंद था, इसलिए इन्होंने इतना सारा साइकिल पे एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, ही इन्वेंटेड ए साइकिल इन 1833। 1833 में इन्होंने अपना पहला साइकिल बनाया था जो कि बहुत हद तक सिमिलर था, या आप कह सकते हो सेम ही था ब्रेटन साइकिल से, विच लुक वेरी सिमिलर टू द साइकिल इन्वेंटेड बाय ब्रेटन। वो साइकिल कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसेस। देखिए, ब्रेटन साइकिल में प्रोसेसेस क्या क्या था, दो एडियाबेटिक था और दो आइसोबारिक था, अभी मैंने बताया था जस्ट पिछले स्लाइड में आपको। और फर्स्ट एरिक्सन साइकिल भी दो एडियाबेटिक प्रोसेस था उसमें और दो आइसोबारिक प्रोसेस था, तो सेम ही हो गया ना, इसलिए उसको कह रहे थे हम लोग क्लोज ब्रेटन साइकिल। उम्मीद है आपको अब बहुत ही क्लियरली ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन विच कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द फ्लूइड टेक्स प्लेस एडियाबेटिकली। जैसा कि अभी मैंने कहा, जो पहला साइकिल बनाया था एरिक्सन ने, उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व था वो सेम था ब्रेटन साइकिल से, इसलिए नियरली आप सेम कह सकते हो। दोनों साइकिल को, तो इनका जो दूसरा साइकिल था बेसिकली उसी को हम लोग इरेक्शन साइकिल बोलते हैं और उसी को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इन विच द कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द फ्लूइड टेक्स प्लेस एडियाबेटिकली। कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस एडियाबेटिकली होता है। सिंस कंप्रेसर और एक्सपेंसर मतलब टर्बाइन एडियाबेटिकली काम करता है। ठीक, एंड हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन अकर्स एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। हीट एडिशन जो होता है और हीट रिजेक्शन जो होता है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होता है। And the same is applicable to Erikson cycle, although both are gaseous power cycle. देखिए, इतना सिमिलर है और ये भी सिमिलर ही है कि दोनों गैस पावर साइकिल ही है। पहला हम लोगों ने देखा कि एक तो प्रोसेसेस भी सेम था और गैस पावर साइकिल है, दो सिमिलरिटी मतलब आप सेम कह सकते हो। ठीक, मैं हर चीज में एम्फेसिस दे रहा हूँ इतना कि आपको याद रह जाए ये चीज। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए, हमने पहला साइकिल का कंपैरिजन कर लिया ब्रेटन साइकिल से, अब दूसरा साइकिल देखते हैं क्या था। एरिक्सन सेकेंड साइकिल इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रेटन साइकिल। वो कैसे? जो भी उसमें एडियाबेटिक प्रोसेसेस था टर्बाइन और कंप्रेसर मतलब एक्सपेंशन और कंप्रेशन प्रोसेस में, वो रिप्लेस हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस से। ठीक, यही अंतर है। अभी आपने ग्राफ देखा, इन कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस एज वी हैव सीन नाउ। देखिए, जो हमें अभी हमने कर्व या ग्राफ से जो देखा उसी का बात हो रहा है यहाँ पे। सो बेसिकली वी कंसिडर एरिक्सन सेकेंड साइकिल, और एरिक्सन सेकेंड साइकिल इज रेफर्ड एज सिंपल एरिक्सन साइकिल। जो भी आप एरिक्सन साइकिल अभी पढ़ते हैं वो उसका सेकेंड साइकिल पढ़ते हैं। ठीक, इट मतलब एरिक्सन साइकिल हैज वेरी रेयर एप्लीकेशन। अभी मैं पूरा डिटेल में इसको बताता हूँ क्यों।
बिकॉज ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस इट शुड बी वेरी स्लो इन ऑर्डर टू अकर। आइसोथर्मल प्रोसेस कब होगा? देखिए बहुत स्लो होना चाहिए ताकि जो भी मूविंग पार्ट है इंजन में या कोई भी अरेंजमेंट में, तो आइसोथर्मल प्रोसेस तब होगा जब वो कोई भी फ्रिक्शन लॉस या कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब आइडियल प्रोसेस होना चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है, और स्लो तो इतना होना चाहिए कि कुछ भी हीट नहीं बढ़ना चाहिए उसका, इसलिए तो ये तो फिजिबल नहीं है। और दूसरा क्या है, ऑल्सो देयर वुड बी प्रेशर वेरिएशन। कोई भी इंजन काम करेगा तो वो इतना स्लो तो होगा नहीं, उसका प्रेशर थोड़ा मोड़ा वेरी करेगा ही, या थोड़ा मोड़ा क्यों, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा वेरी करे। सिंस हमको इसको प्रैक्टिकल बनाना है तो प्रेशर वेरिएशन होगा ही, इसलिए ये साइकिल फिजिबल नहीं है। आगे देखते हैं, इन द इंजन सो दैट इट इज़ नॉट फिजिबल टू यूज दिस साइकिल। इंस्टेड ऑफ दैट दिस साइकिल इज़ यूज इन हॉट एयर इंजन और रनिंग अ शिप। इसका एप्लीकेशन दो मुझे मिला था तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसका एप्लीकेशन हॉट एयर इंजन में है और शिप में इसका एप्लीकेशन है, ठीक। ब्रेटन साइकिल इज यूज इन टर्बाइन सिस्टम। ये जब हम लोग पढ़ेंगे ब्रेटन साइकिल तो डिटेल में बात करेंगे। विच ऑल्सो इंक्लूड्स कंप्रेशर एंड हीट एक्सचेंजर, वो सब ब्रेटन साइकिल में है, वो आगे देखेंगे हम लोग। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग शुरू से, ठीक है। जॉन एरिक्सन ने इस साइकिल को बनाया था। अभी हम लोग सेकेंड साइकिल देखेंगे इसका, क्योंकि फर्स्ट साइकिल ब्रेटन से सिमिलर है तो वो पढ़ेंगे, तब उसको भी देख लेंगे, कंपेरिजन कर लेंगे, ठीक है। गैस पावर साइकिल है, ये तो भूलना ही नहीं आपको, ठीक है। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, एरिक्सन साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल, यहाँ तक कि डुअल साइकिल, वो भी एक गैस पावर साइकिल है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नहीं भूलिएगा तो अच्छा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए ये एरिक्सन का इंजन था जो कि उन्होंने 1833 में डिवाइस किया था, ठीक है। इसको एरिक्सन इंजन भी कहते हैं, ये विकिपीडिया से मैंने डाउनलोड किया है। अभी देखिए, आइडियल एरिक्सन साइकिल कंसिस्ट ऑफ फोर प्रोसेसेस। क्या था वो? आइसोथर्मल था, दो आइसोथर्मल, दो आइसोबारिक, याद रखिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। आइसोबारिक और आइसोथर्मल याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं करना है एरिक्सन साइकिल में। अब थोड़ा और आपको डीप में जाना है तो ये याद रखिएगा कि इसमें जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसमें हीट एडिशन होता है और आइसोथर्मली ही हीट रिजेक्शन होता है इसमें। और आइसोबारिक प्रोसेस में आपको पता है क्या होता है? जी हाँ, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। ये एक डायग्राम मैंने बनाया, देखिए यहाँ कंप्रेसर है, ये ओपन साइकिल कंसिडर करके मैंने बनाया यहाँ पे। यहाँ से वर्किंग फ्लूइड इंटर होता है, कंप्रेसर में कंप्रेस हो जाता है एडियाबेटिकली, ठीक है। मैं यहाँ कंप्रेसर का जनरल फंक्शनिंग बता रहा हूँ, ये एडियाबेटिकली काम करता है, ठीक है। लेकिन इस साइकिल में ये आइसोथर्मली ही काम होगा, ठीक है। वर्किंग फ्लूइड यहाँ जाता है रीजनरेटर में, वहाँ हीट लेता है और रिजेक्ट करता है, दोनों काम करता है यहाँ पे। फिर टर्बाइन में आके वापस यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है एटमोसफेयर को, ठीक है। एरिक्सन साइकिल या एरिक्सन का जो ये डायग्राम है, क्या क्या कंपोनेंट है वो आपने समझ लिया। अब आगे चलते हैं, अब डायग्राम जरा समझते हैं। देखिए प्रोसेस वन से टू क्या था? आइसोथर्मल प्रोसेस, जो कि पीवी डायग्राम में कुछ ऐसा इसका आर्क बनता है, ठीक। प्रोसेस टू से थ्री क्या था? कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। थ्री टू फोर क्या था? अगेन आइसोथर्मल प्रोसेस। फोर टू वन फिर क्या था? प्रेशर कॉन्स्टेंट प्रोसेस, मतलब आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक। यहाँ से हीट रिजेक्ट, हीट इंटर, ठीक। ये तो आसान हो गया आपके लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में एक्सपेंशन और कंप्रेशन होता है, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है और ये वाले में कंप्रेशन हो रहा है। एक्सपेंशन और कंप्रेशन मैं आपको ठीक से बताता हूँ। देखिए वन टू टू में क्या हो रहा है, सिंस देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है तो कंप्रेशन हो रहा है, और थ्री टू फोर में क्या हो रहा है, जाहिर सी बात है वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। तो आपको ग्राफ भी क्लियर हो गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं, सारा प्रोसेस आपने समझ लिया, वन टू, टू टू थ्री, थ्री टू फोर एंड फोर टू वन, ठीक। अब कंपैरिजन भी हमने देख लिया था, फर्स्ट एरिक्सन साइकिल और ब्रेटन साइकिल मिलता जुलता था, क्योंकि दोनों दो एडियाबेटिक प्रोसेस और दो आइसोबारिक प्रोसेस वो सेम था, ठीक है। एरिक्सन का दूसरा साइकिल जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग वही कंसिडर करते हैं जब भी पढ़ना होता है, ठीक। डिफरेंस क्या था सेकंड में? एडियाबेटिक प्रोसेस आइसोथर्मल से चेंज हो गया था, बस कुछ है नहीं, सिर्फ आप एडियाबेटिक प्रोसेस को आइसोथर्मल से चेंज कर दीजिए, बस एरिक्सन सेकंड साइकिल रेडी है। और सिंस साइकिल चेंज हुआ है तो एप्लीकेशन भी थोड़ा मोड़ा जगह में चेंज होगा, और ये साइकिल फिजिबल नहीं है, ज़्यादा इसका एप्लीकेशन नहीं है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। नेक्स्ट वीडियो में जिसमें ब्रेटन साइकिल पे बात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स अ लॉट गाइस, लॉट्स ऑफ लव।